Hello students, I hope you all are fit and fine at your home. So now we will start your next chapter today. Okay, and in previous chapter you have completed your topic questions, and about question you have learned more thing like alternative question and WH question. Okay, so previous chapter में आपने ये पढ़ लिया है और आपको समझ में भी आ गया है, and I hope कि सबकी notes complete होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आज देखते हैं. ठीक है, टुडे आई विल एक्सप्लेन एक्सप्लेन योर नेक्स्ट चैप्टर, एंड योर नेक्स्ट चैप्टर इज नाउन. ओके, एंड नाउन एंड देयर काइंड्स. ओके, सो लेट्स सी. हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज चैप्टर 4 फॉर क्लास 6 नाउन. ओके, तो स्टूडेंट्स नाउन्स देखते हैं. नाउन्स क्या है? नाउन्स के पहले जो क्लासिफिकेशन है वो पहले समझ लेते हैं. ठीक है, नाउन के जो काइंड्स होते हैं मोस्टली 5 होते हैं. ठीक है, बट इसमें मैंने 4 ही अभी समझाया ऐसे. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कैसे समझते हैं? कभी भी जब प्रॉपर को आपको समझना है ना, तो आप कॉमन से वहाँ पे उसको कंपैरिजन कर लो, दोनों चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी. क्योंकि आपको ये बताया भी जा चुका है, आप पढ़ भी चुके हो पहले जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आप पढ़ चुके हो कि नाउन क्या होता है. ठीक है, नाउन के काइंड्स जो है वो भी आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ. प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन इट मीन्स, देखो नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी जो वर्ड में जितने भी नाम है ना, चाहे जैसे भी नाम हो, जिसके भी नाम हो, सारे नाउन होते हैं. ठीक है, यानी संज्ञा होते हैं. नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. ठीक है, अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इट मीन्स स्पेशल नेम, यानी जिसका कोई भी चीज़ एक प्रॉपर जो हो. ठीक है, कोई भी स्पेशल नेम हो, तो यानी चाहे वो किसी पर्सन का स्पेशल नेम हो, चाहे वो किसी जगह का स्पेशल नेम हो, या फिर किसी भी एनिमल का स्पेशल नेम हो, वो सारे जो है आपके प्रॉपर में आ जाएंगे. ठीक है, अगर जहाँ प्रॉपर नहीं समझ में आता उसको कॉमन से कंपैरिजन कर लो. जैसे अगर हमने किसी लड़की का नाम यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सोनिया. ओके, सोनिया मैंने लिख दिया. ठीक है, दिस इज द गर्ल्स नेम. तो ये क्या है, सोनिया से सिर्फ हम सोनिया को, अगर सपोज क्लास में एक सोनिया नाम की लड़की है, ठीक, अगर मैंने बोला सोनिया स्टैंड अप, तो उससे सिर्फ सोनिया ही तो स्टैंड अप होगी ना, बाकी तो कोई नहीं होगा. तो यानी वो स्पेशल नेम हो गया, सिर्फ एक सोनिया का ही एक स्पेशल, मतलब एक सोनिया ही, एक क्लास में एक सोनिया है और बहुत सारे लोग हैं. लेकिन अगर उसको कॉमनली समझना है, तो अगर सोनिया हम यहाँ स्पेशल यानी प्रॉपर नेम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन लिखते हैं, तो उसके कंपेरिजन में हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे कॉमन में हमने लिख दिया गर्ल. ठीक है, तो गर्ल क्या है, गर्ल से कॉमनली हम सारे गर्ल को गर्ल ही कहेंगे. ठीक है, बट अगर इसका एक स्पेशल नेम आ गया यहाँ पे, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, ऐसे ही सारी चीजें होती है. जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे दिल्ली लिख दिया. ठीक है, सपोज यहाँ पे हम दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिटी. ठीक है, तो सिटी यानी हम सारे सिटी को, मतलब सिटी तो सबको कहेंगे ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जो भी होता है ये सारे सिटी होते हैं. ठीक है, तो ये सिटी कॉमन हो गया, जो कि कॉमनली सब, कॉमन मीन्स यानी कॉमनली हम कॉमनली सारे चीज़ों को हम एक ही वर्ड से अगर हम बोल सके, तो ये सिटी आपका कॉमन में हो गया और दिल्ली प्रॉपर में हो गया. तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ये आप पढ़ भी चुके हो पहले. ठीक है, फिर भी मैंने दोबारा एक बार रिवाइज करा दिया आपको. उसमें भी जो कॉमन में अगर हम देखें, तो एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है. ठीक है, ये भी आपका नाउन का ही पार्ट होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल. ये भी आप अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, जो कि अलग से एक चैप्टर आया होगा. ठीक है, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन हो गया, और जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया. जैसे अगर हम काउंटेबल नाउन में लिखें, अगर देखें तो काउंटेबल नाउन में जैसे हम, अगर पेन है, पेन को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, टेबल है, इसको भी काउंट कर सकते हैं. तो मोस्टली जो थिंग्स हैं, कई चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा, कोई भी तरल पदार्थ. ठीक है, जैसे मटेरियल में जो भी चीज़ें आती हैं मटेरियल नाउन में, जैसे अगर हम वाटर लिख दें, तो वाटर क्या है, ये काउंट हो सकता है क्या? नहीं, वाटर काउंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो लीटर में हम लेते हैं ना, वो
ऐसे काउंट कर सकते हैं कि वन ग्लास टू ग्लास ऐसे काउंट कर सकते हैं, बट अगर हम वाटर को एक एक निकाल के चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अनकाउंटेबल हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे हेयर हो गया, ठीक है, हेयर काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका ऐसे ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल की भी अभी और भी एग्जांपल्स मैं दूंगी, आपकी बुक में दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं कंक्रीट नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इसको भी जब कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कंक्रीट नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। कंक्रीट नाउन जो होता है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस को बताता है। फिजिकल मीन्स जो जो चीज़ हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो आपका कंक्रीट हो जाता है। और अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वनली हम फील कर सकते हैं उसको और टच नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो वो आपका अब्स्ट्रैक्ट में हो जाएगा। जैसे अगर अगर कंक्रीट में देखें तो केक, केक को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ओके, केक को हम टच कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम यहाँ अब्स्ट्रैक्ट में देखें बर्थडे, ठीक, अगर हम कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे क्या कहीं देखने वाली चीज़ है, क्या कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, बर्थडे दिखता है या फिर हम उसको हाथ में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो बर्थडे हम सिर्फ मतलब एक फील करते हैं, ये एक फील करके हम बोलते हैं हाँ आज बर्थडे है, ठीक है, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है या फिर मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो और केक, केक क्या होता है, जो हम उसके बदले से काटते हैं, ठीक है, तो वो हम कंक्रीट में ये हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस देता है, ठीक है, तो इसको हम टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंक्रीट में आ जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताई कि ये चीज़ होता क्या है, ठीक है, अभी आगे जो और ज़्यादा डिस्क्राइब करके मैं आपको बुक में बताती हूँ, ठीक है, जो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बुक में, जब आप समझोगे तो, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आपके बुक में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाउन, नाउन के यहाँ पूरे ये जो क्लासिफिकेशन थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्पेसिफिक पीपल मीन्स कनिका, सुमित, अमन, अभी मैंने बताया ना, ऐसे ही किसी पर्सन का नाम वो प्रॉपर नाउन आ जाता है। स्पेसिफिक प्लेस में जैसे दार्जिलिंग, कोयम्बेटोर, सिडनी, ये सारे जगह हैं, जगह के नाम, एक स्पेशल एरिया है, ठीक है, तो ये भी आपका प्लेस नेम में आ गया प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये भी एक नाम ही है। टाटा, ये भी एक नाम है। दिल्ली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी एक नाम है। तो ये आपका प्रॉपर हो गया। वहीं अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल हो के ना सिर्फ स्कूल अगर हम लिख दें तो वो कॉमन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल तो हम सारे स्कूल को स्कूल ही कहते हैं, लेकिन अगर किसी स्कूल का एक अलग से नाम आ जाता है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ पे दिया हुआ है द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक मंथ्स एंड फेस्टिवल्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, यानी जितने भी डेज के नेम होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और मंथ्स के नेम जैसे जनवरी, फरवरी, ठीक है, फेस्टिवल्स के नेम जैसे दिवाली, होली, ठीक है, ये भी सारे जो होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही है ना, इसलिए वो प्रॉपर है, ठीक है। संडे सिर्फ संडे एक ही है ना, हर किसी को तो संडे नहीं कह सकते, जनवरी हर मंथ को तो नहीं कह सकते, ठीक है, या फिर फेस्टिवल जो है, अब हर फेस्टिवल को तो हम दिवाली या होली नहीं कह सकते, हर फेस्टिवल का अलग अलग नाम है, तो जिसके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं ना वो सारे प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, दे डू नॉट टेक आर्टिकल बिफोर देम एंड दे यूजफुली डू नॉट हैव प्लूरल्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा हमेशा यानी ऑलवेज एंड ऑलवेज वो कैपिटल लेटर से ही पहले स्टार्ट होगा। प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखेंगे, चाहे जिस सेंटेंस के बीच में भी वो आ जाएगा, तो वहाँ पे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। एंड दे डू टेक आर्टिकल्स बिफोर देम, और वो क्या करते हैं अपने यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उनके पहले आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। एंड दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल्स, और वो प्लूरल नहीं होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है मोस्टली सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है अ मुंबई द राजेश सूरज, या मतलब ये गलत दिया है इसलिए इसको कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।
आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन एंड यू राइट देम विद प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यानी इसमें से प्रॉपर नाउन आप फाउंड करना है, और जो भी प्रॉपर नाउन, क्योंकि अभी मैंने बताया ना प्रॉपर नाउन ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है इस एक्सरसाइज में, और उसको जो है कैपिटल में करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको पहले आप करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर मैं नेक्स्ट ये समझाती हूँ कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपने एक्सरसाइज ये कर लिया होगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी में भी करनी है, ठीक है, और नोट्स बनाना है। उस पर पहले नाउन का डेफिनेशन लिखना है, उसका पूरा उसको नाउन को क्लासिफाइड करना है, और उसके बाद से उसमें टॉपिक वाइज उसका डेफिनेशन वगैरह लिखने, फिर नाउन के डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सरसाइज लिखना है आपको। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ऑल द थिंग्स इन अ क्लास। यानी कोई एक ही क्लास, मतलब एक ही क्लास का हो और उसका कॉमनली नेम हो, जो एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता हो, ठीक है। जैसे कि मंकी, द नेम ऑफ ऑल मंकीज, यानी मंकी जो होता है, चाहे वो कोई भी मंकी हो, अगर आपके छत पे या फिर मेरे छत पे या फिर और किसी के छत पे थ्री मंकीज आ गए सपोज, तो उन सारे को हम क्या बोलेंगे? मंकी ही बोलेंगे ना, क्योंकि उनका नाम तो हमें पता नहीं है। अगर नाम पता होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, चूँकि हम सबको मंकी बोल रहे हैं तो वो कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फैन, फैन द नेम ऑफ ऑल फैंस, यानी सारे फैन को तो हम फैन ही बोलेंगे ना, उसका भी कोई अलग से नाम तो है नहीं, तो ये भी आपका कॉमन में आ गया। लेक, लेक मीन्स क्या होता है? झील होता है, ठीक है। तो अब चाहे जहाँ भी लेक आपने देखा हो, ठीक है, या फिर कहीं बंगाल में देख लिया, ठीक है, या फिर और किसी जगह पे देख लिया, तो उसको आपने क्या कहा? कहीं प्रॉपरली उसका कोई अलग से नाम तो नहीं था, तो वहाँ पे आपने उसको लेक बोला। तो लेक मीन्स सारे झील को लेक ही बोलेंगे, सारे लेक को लेक ही बोलेंगे, तो ये भी आपका कॉमन में आ जाएगा। फुटबॉल, फुटबॉल द नेम ऑफ ऑल गेम्स ऑफ फुटबॉल, यानी फुटबॉल जो होता है हर फुटबॉल को फुटबॉल ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि श्रुति के पास जो फुटबॉल है उसको मैंने कुछ और बोल दिया, या फिर सृष्टि के पास जो फुटबॉल है उसका कुछ और नाम है, ऐसा तो है नहीं। उसके पास भी जो फुटबॉल है, या फिर अगर किसी के पास भी जो फुटबॉल है, सबको फुटबॉल ही बोलेंगे। तो कॉमनली जो वो एक ही क्लास के हैं, बट नाम जो है कॉमनली उनको एक ही दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। जैसे अहमदाबाद, मैसूरू एंड पटना आर ऑल सिटी, वी कैन यूज द वर्ड सिटी टू रिफर टू एनी सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी ये जितने भी सिटी के नाम हैं, इसके लिए सारे सिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सिटी ही यूज़ करते हैं। तो सारे सिटी जो हमने यूज़ किया ना, तो सिटी इज़ द नेम ऑफ कॉमन टू ऑल सिटीज, यानी सिटी जो होता है ये सिटी आपका कॉमन नेम हो गया। सिटी इज देयरफॉर अ कॉमन नाउन, यानी सिटी कॉमन नाउन हो गया। बट अहमदाबाद, मैसूरू एंड पटना आर ऑल नेम ऑफ पर्टिकुलर सिटीज। अब ये सारी पर्टिकुलर नेम है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। दिस ऑल नेम आर कॉमन टू ऑल सिटीज, बट अहमदाबाद, मैसूरू एंड पटना आर प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो सिटीज जो है, अगर हमने इस सबको मिला के अगर एक सिटीज नाम दे दिया तो वो आपका कॉमन हो गया, लेकिन अगर इसके अलग अलग नेम आ गए तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस पे आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच द कॉलम प्रॉपर नाउन इन कॉलम ए विद करेक्ट कॉमन नाउन इन कॉलम बी, यानी आपको करेक्ट प्रॉपर और कॉमन को, अब चूंकि मैंने कंपैरिजन करके आपको बता दिया है तो इतना तो आप समझ ही गए हैं, तो इसके बेस पे आपको इसको खुद से मैच करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप जब खुद से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको करके भेजना है, और कॉपी में भी करनी है, इसका डेफिनेशन लिखना है कॉमन नाउन का, और उसके बाद ये एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। इसको जब आप कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताऊंगी, और उसके बाद कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगी, ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।